हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम देख रहे थे जिसका नाम था काइनेमेटिक ऑफ फ्लो। तो पार्ट सिक्स में हम देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो का। ओके, तो देखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फॉर फ्लूइड फ्लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी का। अब जब हमारा फ्लूइड कहीं से फ्लो हो रहा है तब वहां पे हम वेलोसिटी की जो टर्म यूज करेंगे, जो वेलोसिटी की बात करेंगे, इन द डायरेक्शन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। ज़्यादातर जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है थ्री डायमेंशन में, ज़्यादातर नहीं बोल सकते हैं बट हाँ, थ्री डायमेंशन में भी फ्लो होता है और वैसे तो टू डायमेंशन में होता ही है। अगर सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उसे भी टू डायमेंशन बोलते हैं। कैसे, एक सरफेस और एक स्पेस, ठीक है। ऐसे में हमारा जो वेलोसिटी होता है किसी फ्लूइड फ्लो के लिए, तब क्या बनेगा, उसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट V is the resultant velocity at any point in fluid flow. V क्या है, V हमारा resultant velocity है किसी भी point में, जब हम जहां किसी भी point पे जब fluid हमारा flow हो रहा है तो किसी भी point पे का पॉइंट का v हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ऑल्सो लेट u v एंड w आर इट्स कंपोनेंट इन x y और z डायरेक्शन। ये हमें पता है, हम जानते हैं जब फ्लूइड हमारा x डायरेक्शन में फ्लो होता है तब उसका वेलोसिटी हम u लेके चलते हैं, जब फ्लूइड हमारा y डायरेक्शन में फ्लो होता है तब हम उसका वेलोसिटी v लिखते हैं, और जब फ्लूइड हमारा z डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तब उसका हम w लिखते हैं, ठीक है। तो देन वेलोसिटी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज v इज इक्वल टू u i cap plus v j cap plus w k cap। वेक्टर तो आपने पढ़ा होगा, भूले तो नहीं है। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो, अब i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। क्या है, i j k हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि किसके पैरेलल है, x y और z के कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो ये वेक्टर में आप पढ़े होंगे ऐसा चीज, ठीक है। अब देखते हैं, देयरफोर द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय द वे, मैं यहां बता दूं कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये वेलोसिटी जो टॉपिक, ये चैप्टर जो है हमारा, कुछ जो लास्ट का कुछ पार्ट्स हैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये सब ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, बहुत ईजी चीज है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। समझने वाली भी चीज़ें, आप बुक से भी आप पढ़ोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, बट मुझे तो ये कंप्लीट करना है सिलेबस, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको आप थोड़ा बड़ा लिखें, कैपिटल वी माने, ठीक है, ये दैट इज कैपिटल वी। इफ velocity vector u is equal to f1 x y z with respect to time, ठीक है, velocity v for function f2 x y z और time का, और w is equal to f3 function x y z और टाइम का टी। अब बोलोगे आप ये सब क्या लिखते जा रहे हो, कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस ध्यान दो। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो जो हमारा, हम यू वी डब्ल्यू क्या ले रहे हैं, यू वी डब्ल्यू वेलोसिटी है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा हो। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा होता है, जो हम रिजल्टेंट लिखते हैं, दैट इज कैपिटल वी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इफ वेलोसिटी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ यू, यू के डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर देखो, तो वहां पे हमारा फंक्शन f1 जिसे मान रहे हैं, x y z इज कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है, v इज इक्वल टू फंक्शन एफ टू जिसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है और t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसे वेयर u इज इक्वल टू लिमिट टाइम dx अपॉन dt, ठीक है, v इज इक्वल टू लिमिट d2 टेंड्स टू जीरो, v है मीन्स y बाई टी dy बाई dt, एंड w के लिए क्या हो जाएगा लिमिट dt टेंड्स टू जीरो dz अपॉन dt, ठीक है। वैसे हम जानते हैं dx अपॉन dt जब हम ले रहे हैं तो वो ये x क्या हो गया डिस्टेंस और टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू दिस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड होता है, तो जब हम x के टर्म में ले रहे हैं डी एक्स अपॉन डी टी ले रहे हैं दिस मीन्स u होगा, डी वाई अपॉन डी टी ले रहे हैं दिस मीन्स v होगा, डी जेड अपॉन डी टी ले रहे हैं दिस मीन्स w होगा, और t क्या है टाइम क्या है डेल्टी स्टेंस टू जीरो मीन्स हम अकॉर्डिंग टू करीबी बहुत कम टाइम होता है फ्लूइड के, आप किसी पॉइंट को चूज कर रहे हैं तो आप गौर करोगे उसके एडजेसेंट पॉइंट्स उसका टाइम अप्रोक्स में होता है, इसलिए हम यहाँ डी टी टेंस टू जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी के लिए ऐसा होगा, बस आप माइंड में इसे रखो, आगे जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। बस आप इसमें ये चीज़ मेन याद रखना, मेन ये और मेन ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टर्म को यू डी एक्स डी टी डी वाई डी टी डी जेड डी टी हमने लिखा, यू वी डब्ल्यू लिखा, जब आप इसको रिजल्टेंट के टर्म में लिखोगे कैपिटल वी के टर्म में लिखोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा लिमिट dt tends to 0 ds upon dt, ठीक है। s क्या है ds यहां पे क्या बता रहा है ds यहां पे आपका डिस्टेंस बता रहा है स्पेस में, ठीक है। अब अगर s की जगह आप x रख दोगे तो वो u हो जाएगा, s की जगह आप y रख दोगे तो वेलोसिटी v बताएगा, x की जगह z रख दोगे तो वेलोसिटी w बताएगा, ठीक है। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब हम एक्सीलरेशन के लिए चालू करते हैं, सो एक्सीलरेशन के टर्म में देखेंगे तो लेट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर द टोटल एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारा ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए जेड है किसी फ्लूइड फ्लो का, देन अकॉर्डिंग टू चैन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन में आपने एक चैन रूल पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ए एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। अब देखो ध्यान से कॉमन टर्म में जाओ, इस टर्म में मत है, कॉमन टर्म में जाओ, कॉमन आप क्या पढ़ते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यू क्या है वेलोसिटी है टी टाइम है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ए एक्स को हम डी यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब चेन रूल में जाओ, चेन रूल जब जाओगे तो क्या हो जाएगा ये पार्शियली में चेंज हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। चेन रूल से ये हमारा ऐसे बनता है, आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मैथ्स में एम टू में पढ़े होगे। तो डी यू अपॉन डी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, प्लस डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई अपॉन डी टी हो गया, डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड डी जेड अपॉन डी टी हो गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है। अब देखो, और वी नो दैट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू dy upon dt is equal to v और dz upon dt is equal to w। अभी हमने ये वेलोसिटी वाले में देखा था, ये देखो dx upon dt u dy upon dt v dz upon dt w, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ax is equal to du upon dt, du upon dt same to same, अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टू को हम यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई वी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डब्ल्यू प्लस डेल यू अपॉन
डेल टी। इन डायरेक्शन ऑफ एक्स में हमारा जो एक्सीलरेशन होगा ये होगा। इन डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यू की जगह आप बस वी लिख दो, तो डेल डी वी अपॉन डी टी पार्शली करो तो डेल वी अपॉन डेल टी का यू, कुछ गड़बड़ है, सॉरी डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स एक बार एक्स के टर्म में, प्लस वी को एक बार वाई के टर्म में, और वी प्लस वी को एक बार जेड के टर्म में, डब्लू प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। ये हो गया एक्सीलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही जेड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ए जेड इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का u प्लस एक बार y के टर्म में, v प्लस एक बार z के टर्म में, w प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा z के डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो क्या पढ़ते हैं हम, स्टडी फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज बी जीरो। स्टडी फ्लो में हम पढ़ते हैं डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, देयर फॉर डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, ऑल्सो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज जीरो इन स्टडी फ्लो। ये हम जब फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ रहे थे, जो हमारा लेक्चर वन था हमारा, उसमें हम देखे थे। Therefore, हमारा ए एक्स ए वाई ए जेड क्या हो जाएगा, ये टर्म जो हमारा लास्ट वाला इसे जीरो कर दें, बाकी ये बचा वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है, लिख लें हम। ओके देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू दिस एंड ए जेड इज इक्वल टू दिस। लास्ट वाला जो टर्म था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी जो था, उसे हमने जीरो कर दिया फॉर स्टडी फॉलो के लिए। अब देखो देयरफॉर एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमारा हो जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी एक्सीलरेशन वेक्टर एंड द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, दिस इज इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, जैसे वेलोसिटी के लिए था वैसे ही सेम टू सेम एक्सीलरेशन के लिए भी होगा, बट जो हमारा वेलोसिटी में आया था स्मॉल यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, हमने देखा था स्मॉल वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सेम टू सेम एक्सेलरेशन में इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स में हम ये इक्वेशन बना, वाई में ये बना और जेड में ये बना, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाए होता है दिस। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, सबसे पहले तो आपको ए एक्स ए वाई ए जेड फाइंड करना होगा, आपको यू वी और डब्ल्यू का एक टर्म दिया होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके आपको ए एक्स ए वाई ए जेड निकालना होगा, और फिर ए एक्स ए वाई ए जेड को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपका रिजल्टेड एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है आपका। अच्छा अब ये देखो, अब इसमें दो टर्म हमारा सामने आता है, जब हम फ्लूइड फ्लो पर एक्सीलरेशन पे की बात करते हैं, जब फ्लूइड हमारा फ्लो होता रहता है तब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तब दो टर्म आता है, एक आता है लोकल एक्सीलरेशन और दूसरा हमारा आता है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। लोकल एक्सीलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है, डायरेक्ट भाषा में आपको समझाएं तो लोकल एक्सीलरेशन जो भी वेलोसिटी जो हमने कैंसिल किया स्टडी फ्लो में, जस्ट दैट इज डेल वी अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, डेल डेल टी मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमने कैंसिल किया अभी फॉर स्टडी फ्लो के लिए जब स्टडी कर रहे थे तब, उसके लिए वो जो टर्म्स है हमारा, वो हमारा है लोकल एक्सीलरेशन। ये देखो ये वाले टर्म्स, ये जो टर्म्स है ये सब हमारा है लोकल एक्सीलरेशन, और बाकी ये पूरा बचा हुआ जो टर्म है ये, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है।
अब उसे हम डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको डेफिनेशन मैं डायरेक्ट नोट्स में दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी एक करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। आप देख लो डेफिनेशन क्या होता है इसका, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। लोकल एक्सीलरेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन पॉइंट इन फ्लो फील्ड। इन द इक्वेशन 1, 2, 3 द टर्म डेल यू अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी आर द लोकल एक्सीलरेशन, ठीक है। और इन कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ फ्लूड पार्टिकल इन अ फ्लूड फ्लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पोजिशन, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स का जो इक्वेशन बना, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, और जो डेल यू अपॉन डेल टू दिस इज द लोकल एक्सीलरेशन। ओके, आई थिंक आपको लोकल एक्सीलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल जब करते हैं तो वैसे डायरेक्ट लिए जाते हैं फाइंड लोकल एक्सीलरेशन, तो आप पूरा फाइंड करने मत बैठ देना, बस डेल यू अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी फाइंड कर दो, आपका काम हो गया। पूछ दिया कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो गया, तो सिर्फ कन्वेक्टिव वाला टर्म ही फाइंड करोगे, लोकल वाला टर्म को फाइंड नहीं करना रहता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखें। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वी जो है दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल वी या कोई भी टर्म ए जेड, ये वी हमने यहाँ दिखा रहा है, यहाँ ए से भी दिखा सकता है, सी से भी, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल से दिखा सकता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। देयरफॉर वी इज इक्वल टू यू, सॉरी इट्स नॉट यू, इट्स फोर, ठीक है, इट्स फोर, 4x³i - 10x²yj+2tk। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1, 2, 3 एट टाइम t इज इक्वल टू 1। 1, 2, 3 मीन्स ये हमारा x, y और z, 1 है हमारा x, 2 है y और 3 है z, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखें, क्या दिया हुआ है, 4x³i - 10x²yj+2tk, ठीक है। अब वेलोसिटी u इज इक्वल टू, u वाला टर्म क्या है हम जानते हैं, v इज इक्वल टू, किस टर्म में लिखा है, u i कैप प्लस v j कैप प्लस u v w k कैप, इस टर्म में लिखा हुआ है। तो u वाला क्या है हमारा, 4x³ है, और v क्या है हमारा, -10x²y, और w क्या है हमारा, 2t, ठीक है। ये हो गया, फाइंड कहाँ करना है, एट पॉइंट 1, 2, 3 x1, y2 और 3z पे। अब ये देखो 4x³ है, 4 × x क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब, दिस मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 है, सॉरी इट्स 1 नॉट, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, ठीक है। अब करते हैं, दिस इज 2, ओके, सो 2 एंड दिस इज 32, -10 × x² × y कितना है, y है 1, विच इज इक्वल टू -40, और 2 t कितना है, t इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 2। इसका यूनिट नहीं है इसलिए हम यहाँ यूनिट्स लिख दे रहे हैं, जो भी यूनिट लेके चल रहा होगा क्वेश्चन वो यूनिट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा u v और w निकल गया। सबसे पहले इस साइड के क्वेश्चन को हम उसमें u v और w देखेंगे क्या है, और अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे पुट कर u v और w की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर एट 2, 1 और 3, जो 2, 1, 3 एट दिस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, 32i - 40j+2k लिख दिए। देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 32 का होल स्क्वायर प्लस -40 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो v आएगा 51.26 यूनिट्स, ठीक।
ठीक है, जैसे हमने वेलोसिटी जब फ्लूइड का जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तब हमने ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है। अब हम एक्सीलरेशन फाइंड, वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर दिया, अब हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए एक्स, ए वाई और ए जेड निकालना होगा, ठीक है। तो ए एक्स, ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स का था हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई वी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डब्ल्यू प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, ये था हमारा ए एक्स का फॉर्मूला। अब देखो डेल यू अपॉन एक्स, अब डेल यू, यू क्या है यहाँ पे, 4x³ है, तो डेल यू, डेल यू को यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 12, 12x² हो जाएगा, इंटू यू कितना आया है आपका 32, प्लस यू को वाई के रिस्पेक्ट में करो, यू को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा आपको 0, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है यू को, क्योंकि 4x³ है, वाई का टर्म तो है ही नहीं, इसलिए 0 इंटू डब्ल्यू कितना है -40, प्लस यू को जेड के रिस्पेक्ट में करो, यू को जेड का टर्म भी नहीं है तो ये भी ऑलरेडी 0 इंटू डब्ल्यू का टर्म कितना है, ये डब्ल्यू 2 प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। अब डेल यू अपॉन डेल टी देखो, यू को टी के रिस्पेक्ट में करो, टर्म ही नहीं है टी का, 0, तो आपका जो ए एक्स आएगा यहाँ से, ए एक्स निकला आपका कितना निकला 12x² 32, ठीक है। अब देखो 12x यहाँ कितना दिया है, 2 दिया क्वेश्चन में, x को 2 2 की जगह पॉइंट एट पॉइंट 2 पे निकालना है, 2 का स्क्वायर 32 विच इज इक्वल टू 1536 यूनिट, तो ए एक्स आपका कितना आया 1536 यूनिट। सेम टू सेम ए वाई के लिए भी ऐसे ही निकाल लें, ए जेड के लिए भी ऐसे ही निकाल लें, ए वाई के लिए आप निकाल के देखना आपका आएगा 320 यूनिट और ए जेड के लिए आप निकालोगे तो 2 यूनिट, ठीक है। अब देखो ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, ए जेड आ गया, अब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब वैल्यू पुट करोगे, ए एक्स कितना है 1536 का होल स्क्वायर प्लस ए वाई 320 का होल स्क्वायर प्लस ए जेड 2 का होल स्क्वायर, तो आपका जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा 1568.9 यूनिट, ये आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा। बल्कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक। तो हमने वेलोसिटी भी फाइंड करके दिखा दिया और रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी फाइनली फाइंड करके दिखा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन हमारा बनता है एग्जाम में, ठीक है।